बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी ने अमिताभ बच्चन और उनकी फैमिली के कोविड-19 के संक्रमण में आने के बाद पोस्ट लिखा था और कहा था, नानावती हॉस्पिटल में अमित जी को एडमिट किया गया है क्योंकि वो टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन उनकी सेहत में सुधार आए इसकी दुआएं करती हूँ और तमाम लोगों की दुआएं हैं उनके साथ, वो बहुत जल्द सेफली घर वापस लौटे। उसके बाद हेमा मालिनी की सेहत को लेकर सोशल मीडिया पर फेक खबर वायरल की गई थी कि हेमा मालिनी हॉस्पिटलाइज्ड है। इसके कारण उन्होंने वीडियो एक दिन बाद 12 जुलाई को शेयर किया था और बताया था वो पूरी तरह से स्वस्थ है। लेकिन अब हेमा मालिनी इतने दिनों बाद जब इंतज़ार कर रही थी कि बच्चन परिवार स्वस्थ होकर घर लौटे और ये संभव नहीं हो सका, तो हेमा ने घर से ही एक और पोस्ट शेयर किया और कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि अमिताभ बच्चन का जिस तरह देखभाल किया जा रहा है और किस जिस तरह से अमिताभ और उनके परिवार ने तुरंत इस बीमारी का इलाज कराया है, हर कोई इस बीमारी से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से गाइडलाइंस को फॉलो करेगा। अब यही नहीं जिंदगी है, मास्क लगाना, फिजिकल डिस्टेंस और हाथ धोना रेगुलरली, यही नहीं जिंदगी को अपनाना पड़ेगा। मुंबई जिंदगी को अपना ले तो यही बेहतर है, जिस तरह मुंबई जिंदगी को अपना रही है ये बेहतर साइन है, और साथ साथ में वैक्सीन आ जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं। हेमा मालिनी वैक्सीन का वाकई इंतज़ार कर रही हैं क्योंकि बच्चन परिवार को हेमा काफ़ी डर चुकी है। नेक्स्ट टाइम एजेंसी की रिपोर्ट।